दी है मुझे, अब बस पोते का मुंह देख लूं तो स्वर्ग सुधारूं। आ गए बेटा। बहू अब तुम जाके आराम कर लो। बेटा मुझे तो पोते का मुंह ही देखना है। ऐसा कर, डॉक्टर के पास जा और बहू को दिखा ला। मैं आज ही राधिका को लेके जाता हूँ और दिखा लाता हूँ। वक्त हर पल बदल रहा है, समाज में आ रहे बदलाव और उसकी तरक्की को देखकर बहुत खुशी होती है। आज हमारे यान मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, हम समुद्र की गहराइयों को नाप रहे हैं, पर अफसोस आज भी हमारे समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो लड़के और लड़की में भेदभाव करता है और यही भेदभाव समस्याओं और अपराधों को जन्म देता है। नमस्कार, मेरा नाम है कुंवर आदित्य और आप देख रहे हैं होम्योग्राम। हेलो आकाश, यार एक काम कर, मुझे राधिका की जांच करा ली है। तेरे जान पहचान के डॉक्टर है? अच्छा है, ठीक है, मुझे उसका नंबर सेंड कर दियो। राधिका, मैंने अभी अपने दोस्त से बात की है तो उसने मुझे डॉक्टर का नंबर दिया है। चलो चेकअप के लिए चलते हैं। अच्छा, तो मिस्टर एंड मिसेस कुमार, आपसे फोन पे बात हो रही थी चेकअप के लिए। ओ हाँ, अच्छा अच्छा याद आया। एक काम करिए, आप अंदर चलिए, मैं आपके हस्बैंड से दो मिनट बात करता हूँ। अच्छा, तो मैं अभी चेकअप के लिए अंदर जा रही हूँ। जैसा भी रिजल्ट होगा मैं आपको हैंकी के थ्रू बता दूंगी। अगर ब्लू हैंकी हुआ तो लड़का है और पिंक हुआ तो लड़की है। बिन्नू बेटा, हेलो। हाँ बिन्नू बेटा, जांच करवा ली? पोता ही है ना? नहीं माँ, लड़की है। क्या पोता नहीं है? तुम ना अभी इस आफत को गिरवा दो। कुछ भी हो जाए इस आफत को गिरवा के आना, वरना घर मत आना। हम रख रहे हैं, तुम आफत को गिरवा के ही आना। हमारे देश में बेटे के लिए जो पागलपन है वो कभी कभी हैरान कर देता है। सिर्फ बेटा ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारे वंश को आगे बढ़ा सकता है, ऐसी दकियानुसी सोच अच्छे से अच्छे इंसान का मन बहका सकती है। विनोद के परिवार में भी यही दबाव अब विनोद और राधिका पर भारी पड़ने वाला था और विनोद इस दबाव में कुछ ऐसा करने जा रहा था जो उसके परिवार के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। हाँ, तो मैंने चेकअप कर दिया है, बच्चा हेल्दी है, बाकी मैंने टैबलेट्स लिख दी हैं। ठीक है आदिया, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ, डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, इसका कोई सलूशन बताइए। आप श्योर हैं इस डिसीजन को लेके? तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, पिल्स लिख देती हूँ, आप शाम को इसको जूस के साथ दे दीजिएगा और सुबह तक आपका काम हो जाएगा। दिखाई ना दे पर शामिल जरूर होता है, हर मौत का कातिल जरूर होता है, लेकिन उस बिचारी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसका खुद का पति उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। बेटा कैसी हो? हाँ माँ प्रणाम। दामाद जी कैसे हैं और समधन जी? सब कुशल मंगल है। हाँ सब बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। बस वो कल रूटीन चेकअप के लिए गई थी ना, तब से हल्का सा फीवर है और थोड़ा थोड़ा पेट दर्द है। दवाई टाइम पर ले रही हो ना? हाँ हाँ, दवाई दे दी है इन्होंने, अभी थोड़ा रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। चलो ठीक है, आराम करो और अपना ध्यान रखो। चलो ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखो। ठीक है, रखती हूँ। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, आराम कर लो। हेलो डॉक्टर साहब, राधिका को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और बहुत फीवर भी है। ठीक है,
हाय मेरी राधिका, हाय तू इतनी जल्दी कैसे चली गई, अभी तो तुझे पोते का मुंह भी दिखाना था मुझे। हाय राधिका, हाय मेरी बच्ची संभालो बहन जी, संभालो अपने आप को। मेरी बच्ची ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हमें। भगवान की मर्जी के आगे आज तक किसी की चली है बहन जी। कुछ तो गड़बड़ है, मेरी बच्ची ऐसे नहीं जा सकती, मेरी बच्ची ऐसे नहीं जा सकती हमें छोड़ के। अभी तो मेरी बात हुई थी दो दिन पहले, हल्का बुखार बता रही थी, इतनी जल्दी कैसे? बहन जी भगवान की मर्जी के आगे आज तक किसी की चली है, आप ही बताइए। रुको इस क्रियाक्रम को। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया। रुको ये सब जो हो रहा है, अब जो होगा पोस्टमार्टम के बाद होगा। मिस्टर विनोद, केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। जी इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ था एग्जैक्टली उससे, आप मुझे बता सकते हैं? राधिका 4 महीने से प्रेगनेंट थी और पिछले हफ्ते उसे कोविड हो गया था। स्टेट में तो कोविड के एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुए हैं, और ऊपर से आपके गांव में तो कोविड के एक भी केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं आपकी बीवी की जान कोविड से गई है? इंस्पेक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं, मैंने अपनी बीवी को मारा है। खैर किसने किसकी जान ली है तो मैं पता कर लूंगा, अब आपसे बात इन्वेस्टिगेशन के बाद होगी। हेलो डॉक्टर, क्या रिपोर्ट है? मामला कुछ सीरियस है तो आप जल्दी आ जाइए बस। ठीक है आता हूँ। पीएम रिपोर्ट्स के हिसाब से ओवरडोज ऑफ अबॉर्शन पिल्स हुआ है जिसके चलते राधिका की मौत हुई है। अच्छा तो ये मामला, वैसे तो बेटा हो या बेटी हर कोई खास होता है, और एक ना एक दिन हर मुजरिम का पर्दा फाश होता है। तमाम सबूत और गवाहों की मदद से ये बात अब कानून भी समझ चुकी थी कि राधिका की मौत का जिम्मेदार उसका खुद का परिवार था। You know Mrs. Kohli's case? Yes. In this case, I found 4 month fetus in the PM findings. The sex can be differentiated. Skin covered by appearing tan, longer hairs. Skin is rosy and firmer. The head is 1/4 of the length of the body. And I found umbilicus is situated near the pubic symphysis. Brain convulsions begin to appear. Gallbladder is formed. Mechanism is found in duodenum. Pupillary membrane appears. The fetus can be detected on X-ray. These are some findings of 4 month fetus. तो मिसेस कुमार का ट्रीटमेंट आप कर रही थी? जी हाँ बोलिए। तो एग्जैक्टली कौन से पिल्स आपने उन्हें दी थी? मैंने उन्हें नॉर्मल प्रेगनेंसी पिल्स दी थी जो उनकी रूटीन चेकअप की थी, वही विटामिन्स और मिनरल्स की बस। अच्छा, वैसे झूठ काफी अच्छा बोल रही थी आप डॉक्टर। उनकी मौत ओवरडोज ऑफ एबॉर्शन पिल्स से हुई है, ना कि कोविड से। नहीं नहीं ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शी रही फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, पता कर लिया जो करना था? जो करना था और जो नहीं करना था सब पता कर गया। मैं तो कह ही रहा था इंस्पेक्टर आपसे, डेथ तो कोविड से हुई है, आप खामखा मेरे पे शक कर रहे थे। अच्छा। मैं राधिका से बहुत प्यार करता था और अभी भी करता हूँ। तो ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी माँ को लड़का चाहिए था, इसलिए हमने राधिका के पेट में पल रहे बच्चे का लिंग जांच कराया। लिंग जांच करवाना गैर कानूनी है, तुम्हें नहीं पता? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपना वंश आगे बढ़ाने के चक्कर में अपनी बीवी की हत्या कर दी। वो बेटी जो घर की लक्ष्मी अन्नपूर्णा सुख समृद्धि होती है, तुमने उसे तो मारा ही, साथ में अपनी बीवी की भी जान ले ली। अब तुम, तुम्हारी बूढ़ी माँ और वो डॉक्टर बाकी की जिंदगी जेल में बिताओगे। विनोद एक पढ़ा लिखा नौजवान था, अच्छे बुरे की समझ थी उसे। काश उसने अपनी माँ के दबाव में आकर ये गलत कदम ना उठाया होता तो आज वो सलाखों के पीछे नहीं होता। बेटे की चाह सबको होती है, लेकिन उस चाह के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं ये हद हमें तय करनी है। इच्छा करना, उम्मीद रखना ये बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाना कतई सही नहीं। इस विचार के साथ मैं कुंवर आदित्य आपसे विदा लेता हूँ, तब तक अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रख। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें होम्योग्राफ, सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।